हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की वेटेज कितनी होनी चाहिए इंक्लूडिंग गोल्ड। और ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स एंड नो योर ट्रेडिंग पर्सनैलिटी। तो आइए समझते हैं कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। फर्स्ट है डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपनी ट्रेड सेम डे क्लोज कर देते हैं। स्कैल्पर्स भी इसी के अंदर आते हैं जो अपनी ट्रेड्स कुछ सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में क्लोज कर देते हैं। और ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं जो लेवरेज या मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए। दोस्तों, लेवरेज या मार्जिन का मतलब क्या है? अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये हैं तो आप 10 टाइम्स या 20 टाइम्स की इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आप 10 से 20 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ 1,00,000 रुपये मेंटेन करके। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं क्योंकि उनको अपनी ट्रेड्स या पोजीशन सेम डे क्लोज करनी होती हैं मार्केट क्लोजिंग से पहले। इसके बाद आते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी ट्रेड्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रखते हैं। इसके बाद जब उसमें प्रॉफिट आ जाता है वो उसे एग्जिट कर जाते हैं। और ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी ट्रेड्स कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक रखते हैं। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी ट्रेड्स को 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए रखते हैं। ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं या फिर टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स भी हो सकते हैं ताकि वो अच्छे से सेलेक्ट कर सके अपनी ट्रेड्स। तो ये 3 मेन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। अब आपको अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी निकालनी है, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। जो पहला है वो है डे ट्रेडर। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि आपको सेम डे लेना है और सेम डे बेचना है तो आप वॉल्यूम पे ट्रेड करते हो, उसके लिए लेवरेज या मार्जिन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉफिट्स भी बहुत होता है लेकिन इसके अंदर नुकसान भी बहुत हो सकता है क्योंकि सेम डे ट्रेड्स क्लोज भी करनी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके अंदर टेम्परामेंट है या आप प्रेशर झेल सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपने किसी दिन किसी कंपनी के 1,000 स्टॉक्स लिए हों और वो सेम डे सिर्फ 3 रुपये या 4 रुपये गिर जाए तो आप सीधा 3,000 या 4,000 माइनस आ सकते हो जो आपको दिख रहा होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। और दोस्तों, ये कुछ मिनटों में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ही मिनटों में 3 से 4,000 बना भी लो, तो ये ना बड़ा प्रेशराइजिंग होता है। अगर तो आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, अपने आप को साइकोलॉजिकली ट्यून कर सकते हो और अगर आपके पास टाइम है पूरा दिन मॉनिटर करने के लिए कि किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए ऑनेस्टली आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप डे ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रेशर में आ जाते हो मार्केट फ्लक्चुएशन को देखकर, अपनी ट्रेडिंग विंडो को देखकर, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्रेड डेवलप नहीं हुई होती फिर भी हम एंटर कर जाते हैं फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें अभी एंटर नहीं करना चाहिए था। तो आपको कॉशन ये ज़रूर दूंगा मैं कि अगर आपको अच्छे से डे ट्रेडिंग नहीं आती तो आप शुरू में डे ट्रेडिंग ना करें। डे ट्रेडिंग आप तभी करें जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो मे बी इस वीडियो सीरीज के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की ट्रेडिंग आपको सूट करेगी। तो आइए दोस्तों, जो दूसरे टाइप के ट्रेडर्स होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, उनके बारे में जानते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको जब कोई अच्छी ट्रेड मिले आप उसको ले सकते हैं, कुछ दिनों तक रखिए और जब उसमें प्रॉफिट आ जाए आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता क्योंकि आप बाउंड नहीं है डे ट्रेडिंग की तरह कि सेम डे आपको पोजीशन क्लोज करनी है। और अगर किसी दिन आपने कोई ट्रेड उठाई हो 50,000 या 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके और वो ट्रेड 3,000 या 4,000 नीचे आ जाती है तो भी आप इतने प्रेशर में नहीं आते क्योंकि आपने मार्जिन का इस्तेमाल नहीं किया होता। जो पैसे आपके अकाउंट में होते हैं आपने उन्हीं से ट्रेड्स ली होती हैं। और अगर आपको पता है जिन कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है वो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है तो इवेंचुअली प्राइस बढ़ जाएगा और आप पैसा बना सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा दे सकते हैं, जिसमें थोड़ा मार्केट स्टडी कर ली, थोड़ी सी ट्रेड्स चेक कर ली, कौन से स्टॉक्स उठाने हैं, कौन से स्टॉक्स बेचने हैं, थोड़ी वीडियोस देख ली। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है। एक चीज़ है लेकिन,
स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप मार्जिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। और जो तीसरे टाइप के ट्रेडर्स होते हैं वो है पोजिशनल ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनका एक अच्छा बिजनेस चल रहा है या एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और उन्हें डे टू डे लाइफस्टाइल में पैसों की जरूरत नहीं है। ये लोग जनरली स्टॉक्स में पैसा लगा के छोड़ देते हैं कि हमें एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाए या बाकी इन्वेस्टमेंट से बेटर रिटर्न मिल जाए। तो इसके अंदर आपको मार्केट देखने की कोई खास जरूरत नहीं होती, आप चाहें तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में भी एक बार मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशन से इतना फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादातर मल्टी बैगर्स भी आपको इसी टाइप की इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इकट्ठा पैसा भी डाल सकते हैं, जैसे किसी का 5 लाख या 10 लाख रुपए पड़े हैं आपने इकट्ठे डाल दिए, या कोई मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 20,000, 30,000 या 50,000 की, तो मंथली भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही काम करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर आप सिर्फ 25,000 इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ फॉर 20 ईयर्स और साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है 15%, जो एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी अपने पैसों की वो होगी 60 लाख। हर साल आपने इन्वेस्ट किए 25,000 × 12 months जो हो गए 3 लाख, तो 20 साल में आपने इन्वेस्ट किए 3 लाख × 20 ईयर्स जो हो गए 60 लाख। तो क्या आप गेस करना चाहेंगे कि सालाना 15% जुड़ने के बाद 20 साल के बाद आपकी 60 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, ये फिगर होगी करीब 2,93,00,000 रुपए। जी हाँ, ये पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप सबने ही सुना होगा, उन्हीं का एक बहुत अच्छा कोट आपके साथ शेयर करता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड, वन हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड वन हु डजंट पेज इट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत तो है नहीं, और किसी दिन अगर मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आ जाती है और कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपको एक अच्छे रेट पर या इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल जाती है, तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही हफ्तों में बेचना है, इनफैक्ट आप तो कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपको लगता है रिलायंस में रेट अच्छा मिल रहा है तो आपने उसके शेयर खरीद के रख लिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग इस तरीके की ट्रेडिंग होती है, प्रेशराइजिंग नहीं होती, लंबे अरसे के लिए होती है। मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। अब अगर मैं आपको समराइज करूँ तो अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, और अगर आप डे ट्रेडिंग को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो मैं यह कहूँगा आप डे ट्रेडिंग पहले अच्छे से सीखिए, उसकी पूरी नॉलेज लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इसमें पैसे हारते हुए। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप पैसा बनाएं, तो आपको पहले नॉलेज लेनी होगी पूरी, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आगे भी डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो सीरीज निकालूंगा, जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे डे टू डे, वीक ऑन वीक एंड मंथ ऑन मंथ आप पैसा कैसे बनाएं। तो दोस्तों डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, तीनों ही ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन इनके लिए डिफरेंट स्किल सेट होना ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली ये तीन टाइप के इन्वेस्टर पर्सनैलिटी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में मैंने पिछले 11 सालों में जो कुछ भी सीखा है मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।